Hello students, today I will discuss about the classification of refrigerant, designations and properties. This is belong from the unit 3 MER 8002 refrigeration and air conditioning subject. What is the meaning of the refrigerant? Refrigerant is the media. Refrigerant ek aisa media hai, fluid hai, jo ki use kiya jata hai heat transfer purpose ke liye in a refrigeration system that absorb heat. हीट को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग द इवेपोरेशन फ्रॉम द रीजन ऑफ लो टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड रिलीजेस हीट ड्यूरिंग द कंडेंसेशन. बेसिकली देयर आर द टू सिस्टम लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर. लो प्रेशर सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द इवेपोरेटर साइड एंड द हाई प्रेशर सिस्टम इन्वॉल्व इन द कंडेंसर साइड्स. तो देयर विल बी अ चांसेस ऑफ द हीट एब्जॉर्बिंग इन द इवेपोरेटर एंड द हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर साइड्स. तो हाई टेम्परेचर प्रेशर साइड पे हीट रिलीज करता है और लो टेम्परेचर एवोपरेटर साइड में ये हीट एब्जॉर्ब करता है ताकि चीज ठंडी हो सके. हाउ आर क्लासिफाइड द रेफ्रिजरेंट? रेफ्रिजरेंट को बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट. प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को जो डिस्क्राइब किया गया है यूज डायरेक्टली एज अ वर्किंग फ्लूइड, जैसा कि नॉर्मली घरों में जो फ्रिज वगैरह रहते हैं या एसी लगे रहते हैं उसमें डायरेक्टली जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है उसे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं. इट विल अंडरगो अ फेज चेंजेस दैट इज कॉल्ड R134A, R404A. तो यहाँ पे यदि फेज चेंज हो रही है और उसमें दो तरह के रेफ्रिजरेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं जो कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट माने आते हैं आजकल. बिकॉज ऑफ द ओजोन डिप्लीशन लेयर के कारण हमको इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं. बाकी दूसरे तरह के रेफ्रिजरेंट भी डायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं जो कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की कैटेगरीज में आते हैं. सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कभी भी डायरेक्टली टेक पार्ट नहीं करते हैं सिस्टम के अंदर, उनको फ्लो कराया जाता है. जैसे कि लिक्विड डेट आर यूज टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी, एक तरह के लिक्विड्स रहते हैं जैसे कि ब्राइन हो गया, NaCl2 हो गया, इनको यूज किया जाता है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए. यहाँ पे कोई भी फेज चेंज नहीं होती है. जैसे कि वाटर और ब्राइन, इस तरह के रेफ्रिजरेंट को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट. प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जैसा कि ये डिस्कस किया कि दीज आर द रेफ्रिजरेंट विच कूल्स द सब्सटेंस और स्पेस डायरेक्टली बाय द एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट. लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ की चीज़ों को ठंडा करते हैं ताकि हम उस हीट को कहीं पे दूसरे इवेपोरेटेड भी कर सकें. इट एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द एवेपोरेशन इन द एवेपोरेटर एंड रिलीज हीट इंजन ड्यूरिंग द कंडेंसेशन इन द कंडेंसर साइड. जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया ऐसी प्रोसेस रेफ्रिजरेंट के साथ में होती है. इट इज ऑल्सो नोन एज अ डायरेक्ट एक्सपांसन सिस्टम, इसको डायरेक्ट एक्सपांसन सिस्टम भी बोला जाता है. और इस कैटेगरी में जो आती हैं चीज़ें वो होती है फ्रियॉन, अमोनिया, SO2, CO2. ये सारी चीज़ें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की कैटेगरीज में आते हैं. दीज फ्लूइड्स प्रोवाइड अ रेफ्रिजरेशन बाई अंडरगोइंग अ फेज चेंज. ये जितने भी रेफ्रिजरेंट हैं ये यूज़ करते हैं पूरे रेफ्रिजरेशन साइकिल में, तो उस दौरान फेज चेंज होती है और प्रोसेस चेंज होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट. प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं? पहला इसमें हेलो कार्बन है, दूसरा एजियोट्रॉपिक है, तीसरा इनऑर्गेनिक है, चौथा आपका हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट है. तो वन बाई वन करके सभी रेफ्रिजरेंट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे. तो पहला जो हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट है इट इज आर सिंथेटिकली प्रोड्यूस. जैसा कि यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट, तो सिंथेटिकली इसको प्रोड्यूस किया जाता है. वे आर डेवलप एज द फ्रियॉन फैमिली ऑफ रेफ्रिजरेंट. ये फ्रियॉन फैमिली से बिलोंग करते हैं. दे आर द फ्लोरोकार्बन्स ऑफ मीथेन एंड इथेन सीरीज. ये आपके फ्लोरोकार्बन मीथेन सीरीज के और इथेन सीरीज के होते हैं. दे कंटेन वन और मोर ऑफ दीज हेलोजन्स. ये आपके एक या अधिक से हेलोजन्स को कैरी करने का काम करते हैं जिसमें कि क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन आते हैं. नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन फ्लेमेबल होते हैं, नॉन एक्सप्लोजिव होते हैं, नॉन क्रोजिव होते हैं, नॉन इरिटेंट होते हैं टू ह्यूमन बॉडीज एंड आईज, ऑडरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं. इस तरह के रेफ्रिजरेंट जो है हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट की कैटेगरी में आते हैं. विल नॉट रिएक्ट विद द फूड प्रोडक्ट. ये फूड के साथ में रिएक्ट नहीं करते जो कि स्टोर किया जाता है रेफ्रिजरेटेड प्लेस में. विल नॉट रिएक्ट विद द लुब्रिकेटिंग ऑयल. जो लुब्रिकेटिंग इस्तेमाल हो रहा है जैसे रेफ्रिजरेटर या एसी में इस्तेमाल हो रहा है उसके साथ में रिएक्ट नहीं करते. हैज एक्सलेंट थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी. इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है थर्मोडाइनेमिक मैनर में. ओनली डिसएडवांटेज ओजोन लेयर इज डैमेज.
ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए इसका कम से कम इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल सीएफसी, R11, R12, R113, R114, R115, SCFC, R22, R123, HFCs, R134A, R404A, R407C, R410A। इस तरह के रेफ्रिजरेंट जो है आपके हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट की कैटेगरी में आते हैं। एजिटिव रेफ्रिजरेंट जो रहते हैं मिक्सचर रहते हैं दो से अधिक रेफ्रिजरेंट के, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड अंडर द प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड द फिक्स थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। इसकी बहुत अच्छी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज रहती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो रहती हैं इनकी फिक्स रहती हैं। अ स्टेबल मिक्सचर ऑफ टू और सेवरल रेफ्रिजरेंट हूज वेपर एंड लिक्विड फेज रिटेन आइडेंटिकल कंपोजिशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जो स्टेबल टाइप के मिक्सचर रहते हैं जिसमें कि दो से अधिक रेफ्रिजरेंट को आपस में मिलाया जाता है, जो कि वेपर और लिक्विड फेज को आइडेंटिकल मेंटेन करते हैं किसी भी रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में, उसको हम एजियोटिव रेफ्रिजरेंट्स बोलते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर डेजिग्नेटेड बाय द 500 सीरीज, इनको 500 सीरीज से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल R500 की यदि बात करें तो 73.8% R12 रहता है एंड 26.2% R152 रहता है, और R502 की यदि बात करें तो 8.8% जो रहता है R22 रहता है और 51.2% R115, लाइक दैट। जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट, ये नॉन एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज वन हूज कंपोजिशन इन लिक्विड फेज इज डिफरेंट टू दैट इन वेपर फेज, जिसकी की भूमिका लिक्विड और वेपर फेज में अलग अलग होती है, उसे जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट कहते हैं। जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट देयरफॉर डू नॉट बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में बॉयल नहीं कर सकते, अनलाइक एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट, जैसे कि एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट को कर सकते हैं। जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट जो कि नॉन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के नाम से जाता है, इसको डेजिग्नेटेड किया जाता है 400 सीरीज से। एग्जाम्पल यदि लेंगे तो 404A जो आपका रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं इको फ्रेंडली ग्रुप में, R125/R143A/R134A, और इनका जो कंपोजिशन रहता है 44%, 52% और 4%, इस तरीके से इसकी भूमिका रहती है। R410A, that is the R34/R125, 50-50% रहता है। R413A की बात करें तो R600A/R218/R134A, इनका जो corresponding percentage रहता है वो 3% 9% और 88% रहता है। हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं ये अलग तरह के रेफ्रिजरेंट रहते हैं, इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इंस्टॉलेशन में कहता है। दे पॉसेसेस सेटिस्फैक्टरी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को पॉसेस करते हैं, रखते हैं अपने अंदर, बट हाईली फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव होते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत ही अलग कंडीशन में किया जाता है और ये फ्लेमेबल एक्सप्लोजिव रहते हैं। ग्रोइंग यूज इन वेरी स्मॉल कमर्शियल सिस्टम लाइक कार, एयर कंडीशन सिस्टम, वहाँ पे इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के रूप में लें तो ये इसकी सीरीज जो रहती है R170 ईथेन के रूप में, C2H6 R290 के रूप में, प्रोपेन C3H3 R600 के रूप में, ब्यूटेन C4H10 के रूप में, R600A आइसोब्यूटेन के रूप में, C4H10 ब्लेंड्स ऑफ द एबव गैसेस के रूप में इसकी भूमिका रहती है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इन द रेफ्रिजरेशन प्लांट एज सेकेंडरी कूलेंट इज यूज एज अ कूलिंग मीडियम विच अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द refrigerated space and transfer to the primary refrigerant in the evaporator substance that take away heat from the medium to be cooled and give it to the boiling refrigerant and called the secondary refrigerant. They do not change their physical condition. Physical conditions यहाँ पे change नहीं होती है, जैसा कि हमने शुरुआत वाली slide में आपको बताया था। Secondary refrigerant also known as the under the name brines or antifreezes. Brines वगैरह इसी category में आती हैं। The refrigerant are the brine which is used as an intermediate fluid between the evaporator and the substance or the space to be cooled. They cool the substance and the space by absorbing their sensible heat. Sensible heat को absorb करके उस substance को cool करते हैं, also called indirect expansion system. ये indirect expansion system की category में आते हैं। So example, brine solution made of the calcium chloride or sodium chloride. वाटर कैन नॉट बी यूज एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बिकॉज जो वाटर रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इट बिकम्स आइस एंड सर्कुलेशन इट इज नॉट पॉसिबल। इन द ब्राइन सॉल्यूशन CaCl2 इज मच प्रेफर्ड, इट इज वेरी कॉस्टली रहता है CaCl2 को NaCl2 को
इस्तेमाल करते हैं एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, बट इट विल बी वेरी कॉस्टली। डेजिनेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट मार्केट में दी जाते हैं, तो रेफ्रिजरेंट को पहचानने का तरीका क्या होता है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स ने SRA ने डेवलप किया इनके लिए डेजिनेशन। तो वी हैव सेपरेट सीरीज फॉर द हैलोगेटेड रेफ्रिजरेंट एंड अदर टाइप, जितने भी रेफ्रिजरेंट है उनके लिए डेजिनेशन का अलग अलग तरीका बताया गया है। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ 3-डिजिट नॉमेनक्लेचर, 3-डिजिट नॉमेनक्लेचर की रहती है। फर्स्ट डिजिट जो रहती है रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम को इन द कंपाउंड -1, द सेकेंड डिजिट स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1, while the third digit stands for the number of the fluorine atoms. The remaining atoms are the chlorine. तो इस तरीके से इसका डेजिनेशन किया जाता है जो कि आप देखेंगे। तो जो रेफ्रिजरेंट को डेजिनेट किया गया है वो लार्ज नंबर ऑफ रेफ्रिजरेंट है, ऐसा तो है नहीं कि एक या दो रेफ्रिजरेंट है। जैसा कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आपने देखा, हेलोकार्बन, एजियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक और हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका डेजिनेशन इन्हीं की बेस पे किया जाता है। जनरली रेफ्रिजरेंट को डेजिनेट जो कहता है लेटर आर के द्वारा किया जाता है। ये लेटर आर जो है फॉलोड बाय अ यूनिक नंबर, ये आर जो है यूनिक नंबर कहलाता है। वेरियस रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं। डेजिनेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट्स, नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन R22 C-1, जैसा कि बताया है फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे कार्बन का जो एटम है 1 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम R22 +1 करेंगे तो हाइड्रोजन का एटम 1 है। नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स इन R22 2 है, F=2। सिंस देयर इज ओनली वन कार्बन एटम इन द कंपाउंड, दिस कंपाउंड हैज ओरिजिनेट फ्रॉम द मीथेन सीरीज CH4। तो यहाँ पे C आपका बीच में आ गया। फ्रॉम द कैलकुलेशन वी कैन सी देयर इज वन हाइड्रोजन एटम्स जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड 2 फ्लोरीन एटम्स, तो फ्लोरीन एटम्स यहाँ पे 2 हैं आपके। तो द रिमेनिंग वैलेंसी बॉन्ड ऑफ द कार्बन विल बी बैलेंस्ड बाय द क्लोरीन, ये रिमेनिंग कार्बन क्लोरीन से बैलेंस किया जाता है। दस द सब्सटेंसेस ClF यहाँ पे जो आप सीरीज देख रहे हैं, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। Therefore, the chemical formula of R22 is CHClF2N, has the name monochloro difluoromethane. इसका जो नाम होता है monochloro difluoromethane होता है। तो R22 को जो designate किया गया है वो है CHClF2, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 1 है और फ्लोरीन का आपके 2 है। अनदर यदि केस लें R134 की बात करें, जिसमें कि कार्बन का परसेंटेज 2 है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 2 है, क्लोरीन का 4 है। तो इस तरीके से यहाँ पे सीरीज बनाएंगे तो C कार्बन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के आपके 2 हो गए, क्लोरीन के आपके 1, 2, 3, 4 हो गए। यहाँ पे क्लोरीन का परसेंटेज आपका या एटम जो है 0 है। द कंपाउंड इज C2H2F4। तो ये जो है नेम इसका टेट्रा फ्लोरो इथेन रखा गया है, टेट्रा फ्लोरो इथेन। द नॉन हेलोजेनेटेड रेफ्रिजरेंट फॉलो ए डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन विच इज डिपेंडेंट अपॉन द सीरीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट। फुली सैचुरेटेड हेलोजेनेटेड कंपाउंड, तो दीज रेफ्रिजरेंट आर डेराइव्ड डेरिवेटेड ऑफ द एल्केनिन्स सच एज मीथेन, इथेन। दीज रेफ्रिजरेंट आर डेजिनेटेड बाय द R, X, Y, Z, वेयर X+1 indicate the number of carbon atoms, Y-1 indicate the number of hydrogen atoms, Z indicates the number of the fluorine atoms. The balance indicates the number of the chlorine atoms. Only 2-digit indicate that the value of X is 0. Example R22 ki di baat karein, to X equal to 0, Y equal to 2, Z equal to 2. The number of carbon atoms is equal to 0 plus 1 equal to 1, derivative of the methane. Y is equal to 2, number of the hydrogen atoms equal to 2 minus 1 equal to 1. Z is equal to 2, number of the fluorine atoms equal to 2. The balance is equal to 4 minus of number of hydrogen plus fluorine atoms is equal to 4 minus of 1 minus of 2 is equal to 1. Number of fluorine atoms equal to 1, the chemical formula of R22 is equal to CHClF2, just like we have seen. तो ये इस तरीके से भी डेजिनेट किया जाता है। सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ R12 इज इक्वल टू CCl2F2 R134a, दैट इज द C2H2F4 डेरिवेटिव ऑफ द इथेन।
inorganic refrigerant, these are the designated by the number 7 followed by the molecular weight of the refrigerant, that is that should be of the rounded off. Example, ammonia molecular weight is 17, designation is the R717. Carbon dioxide molecular weight is 44, the designation is R744. Water ka jo molecular weight hai wo 18 hai, jiska designation R718. What are the thermodynamic properties of the refrigerant? एक refrigerant के लिए thermodynamic properties क्या-क्या होती हैं? तो पहली properties पे दी नजर डालें तो boiling और condensing temperature और pressure होती है, freezing temperature होती है, critical temperature होती है, discharge temperature होती है, latent heat of evaporation होती है, specific heat होती है, densities होती है, viscosity होती है। तो boiling और condensing temperature pressure क्या होना चाहिए एक refrigerant के लिए? कितना कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे देखते हैं। तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी लो, कम से कम होना चाहिए। द एवोपरेटर एंड द कंडेंसिंग टेम्परेचर डिटरमाइन द प्रेशर। द मैक्सिमम कंडेंसिंग टेम्परेचर इज लार्जली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन। इट इज डिजायरेबल टू सेलेक्ट ए रेफ्रिजरेंट हूज सैचुरेशन प्रेशर एट मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज अ फ्यू पाउंड्स अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज हाई एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर then the compressor has to operate at a high vacuum. Both evaporator and the condenser pressure should be positive and it should be near to the atmospheric pressure. तो ये चीजें आपकी boiling और condensing temperature के साथ में होती है, pressure के साथ में होती है, जिसमें कि हम बात करते हैं evaporator और condenser pressure जो है आपको positive होना चाहिए और near to the atmospheric pressure होना चाहिए। तो जो refrigerant है जिनका कि R11, R12, R21 R30, R40, R113, R717 से प्रेजेंट किया गया है, उसके लिए बॉइलिंग टेम्परेचर की रेंज दी गई है यहाँ पे। हर किसी रेफ्रिजरेंट के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर रेंज अलग अलग होती है, लेकिन चूंकि अपने को जो बताया गया है कि बॉइलिंग टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कम से कम होना चाहिए, तो नॉर्मली यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर यदि कम से कम होगा तो इट विल बी अ बेनिफिशियल। Freezing temperature should have low freezing temperature since the freezing temperature of the most of the refrigerant is below -35°C. Freezing temperature जितना कम होगा उतना refrigeration effect अपने को मिलेगा। Critical temperature should be well above the maximum condensing temperature, जितना भी condensing temperature उससे ज्यादा होना चाहिए। Discharging temperature high होना चाहिए। Compressor should be avoided. It causes the some refrigerant breakdowns as well as the poor lubricating effectiveness. तो डिस्चार्ज प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा तो लुब्रिकेशन इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन व्हिच कन्वर्ट द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू वेपर इट शुड बी हायर वैल्यू, क्योंकि अपने को सबसे ज्यादा लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट रहती है पूरे रेफ्रिजरेशन साइकिल में, इसलिए हाई लेटेंट हीट होनी चाहिए। डेंसिटी लो होनी चाहिए, लो डेंसिटी रेफ्रिजरेंट आर प्रेफर्ड। विस्कोसिटी आपकी यहां पे इज डिजायर्ड टू रिड्यूस द प्रेशर ड्रॉप इन द लाइंस। लो विस्कोसिटी का लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया जाना चाहिए। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जो बॉइलिंग पॉइंट है हर रेफ्रिजरेंट का अलग दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट है हर रेफ्रिजरेंट का अलग दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हर रेफ्रिजरेंट का अलग अलग दिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर हर किसी का दिया हुआ है, क्रिटिकल प्रेशर हर रेफ्रिजरेंट का दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट हर रेफ्रिजरेंट के लिए दी है, सीओपी जो है हर रेफ्रिजरेंट के लिए अलग अलग दिया हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट, टॉक्सिसिटी it is the rated based on the effect on the human beings over the specified period should be of the non toxic and the non irritations. ye aapka bahut zyada toxic nahi hona chahiye, bahut irritation wala nahi hona chahiye, flammability quality kam se kam honi chahiye, explosion jo hai kam se kam hona chahiye, refrigerant odors can be both an asset and a hazard. refrigerant odors jo hai pehchanne mein bahut easy hona chahiye taki hum kisi bhi hazard ko rok sake, usko detect kar sake बाई लीक माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से, ताकि एक्सीडेंट होने की प्रॉब्लम को कम से कम कर सकें। तो रेफ्रिजरेंट शुड बी ऑफ नॉन फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोसिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन रिएक्ट विद द लुब्रिकेटिंग ऑयल, नॉन रिएक्ट विद द मॉइस्चर एंड शुड नॉट कंटेमिनेट द फूड मटेरियल्स कैप्ड इनसाइड द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम्स। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द रेफ्रिजरेंट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम बात करेंगे तो रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग द ग्लोबल वार्मिंग व्हेन रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर। जैसे ही रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल होता है और एटमॉस्फेयर पे दिया जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाती है।
indirect contribution based on the energy consumption of the among other the compressor CO2 produced by the power stations. ओजोन डिप्लेशन जो लेयर रहती है इट इज डिप्लेटेड बाय द एक्शन ऑफ द सीएफसीज जो रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किए जाते हैं सीएफसी सीरीज के उनके द्वारा ओजोन लेयर डिप्लेटेड हो रही है द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन आर फाउंड फ्रॉम द 12 किलोमीटर टू द 50 किलोमीटर अबव द अर्थ फॉर्मिंग अ लेयर इन अ स्ट्रेटोस्फीयर व्हिच इज कॉल्ड अ ओजोन लेयर तो ओजोन लेयर एक फॉर्म हो रही है एटमॉस्फेयर के साइड पे ओजोन लेयर का डिप्लेशन से यहाँ पे दिखाया गया कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो ए और बी कैटेगरी की रहती हैं तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्टली सन से आती हैं और ओजोन लेयर से होकर अर्थ सरफेस को पहुँचती हैं तो यदि ओजोन लेयर जो है उसमें यदि होल प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो ये ओजोन लेयर डायरेक्टली अर्थ सर्फेस पर आएगी जिसका कि बैड इफेक्ट होगा ह्यूमन्स की बॉडीज को कैंसर वगैरह होते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं ह्यूमन बॉडीज को तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ओजोन लेयर को पूरी तरीके से बना रहना चाहिए उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए डिप्लेशन नहीं होना चाहिए उसका तो इस तरीके से ओजोन लेयर को हमें बचाने के लिए इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कार्बन सीरीज से जो निकल रहे हैं सी एफ सी मॉलिक्यूल्स तो ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करने का काम करते हैं द मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड आर द क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन CFC plus irradiated with the ultraviolet rays, pre-chlorine, Cl plus ozone, that is the CiO plus oxygen, CiO plus O, that is the Cl plus oxygen. इस तरीके से अल्ट्रावायलेट की जो रेडिएशन रहती है आपकी सी एफ सी रेडिएशन पे हिट करती हैं क्लोरिन एटम ब्रेक्स अवे क्लोरिन एटम्स हिट्स ओजोन मॉलिक्यूल्स क्लोरिन एटम टेक वन ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म क्लोरिन monoxide and one molecules of the oxygen. Oxygen atoms hits chlorine monoxide molecules. Two oxygen atoms forms an oxygen molecules. Chrome atoms is free and repeats the depletion process. The carbon atoms, fluorine atoms, chlorine atoms, and the oxygen atoms. The health and the environmental concern caused by the breakdown of the ozone layer include the increase in skin cancer. Suppressions of the human immune response system, increase in the cataracts, damage to the crops, damage to the aquatic organism, increase in the global warming. Other important terms, ozone depletion potential, जिसे ODP के नाम से जानते हैं, according to the protocols, the ODP of the refrigerant should be of zero. This should be a non-ozone depleting substance, refrigerant having the non-zero. ODP have either already been phased out, that is the R11, R12, or will be phased out in near future R22. Since ODP depends mainly on the presence of chlorine or bromine in the molecules, refrigerant having the either chlorine, CFCs and the SCFCs or bromine cannot be used under the new regulations. Global warming potential GWP के नाम से आता है और अगला है टोटल इक्विवेलेंट वार्मिंग इंडेक्स जो कि TEWI के नाम से आता है तो रेफ्रिजरेंट शुड हैव एज अ लो जीडब्ल्यूपी वैल्यू एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग रेफ्रिजरेंट विद द जीरो ओडीपी बट हैव अ हाई वैल्यू ऑफ जीडब्ल्यूपी लाइकली टू यूज R134 टू बी रेगुलेटेड इन द फ्यूचर यदि जीडब्ल्यूपी ज्यादा है और ओडीपी कम है तो उस केस में आपका R134 इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट को इस्तेमाल करना चाहिए फिर अगला आता है टोटल इक्विवेलेंट वार्मिंग इंडेक्स TEWI द फैक्टर TEWI कंसीडर बोथ डायरेक्ट ड्यू टू द रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इनडायरेक्ट थ्रू द एनर्जी कंजम्पशन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द रेफ्रिजरेंट टू ग्लोबल वार्मिंग नेचुरली द रेफ्रिजरेंट व्हिच हैज अ लो वैल्यू ऑफ TEWI आर प्रेफरेबल फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ व्यू क्योंकि आपको यहाँ पे पता चला कि TEWI दो चीजों से मिलकर बनता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो डायरेक्ट में रिलीज जो कि डायरेक्टली हो रही है एटमॉस्फेयर पे और इनडायरेक्ट में थ्रू द एनर्जी कंजम्पशन के थ्रू हो रही है इस हिसाब से देखेंगे तो इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू फ्यूचर इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे तो ये सीएफसी सीरीज के आते हैं हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन सीरीज के रहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एचएफसी सीरीज के रहते हैं
हाइड्रोकार्बन के सीरीज के रहते हैं. आफ्टर द फाइंडिंग दैट सीएफसी एंड टू ए लेसर एक्सटेंट एससीएफसी डिप्लेट द ओजोन लेयर ओवर द 100 कंट्रीज अडॉप्टेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987 टू फेज आउट सीएफसी इन द ईयर 2000 एंड एससीएफसी बाय द ईयर 2030. फ्यूचर इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो रिप्लेसमेंट किए जाते हैं R12 के, जिससे कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था ओजोन लेयर को. R30, 134 ए जो कि टेट्राफ्लोरोनीथेन भी कहलाता है, ये इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है. इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -26.15 और जो उसका क्लोजिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है R12 का वो -29 होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. Since the refrigerant R134 has a no chlorine atom, therefore this refrigerant has a zero ozone depleting potential and has 74% less global warming potential as compared to the R12. Next to the slide, future industrial refrigerant replacement for the R11, trichlorofluoromethane R123, dichloro trifluoroethane CF3CHCl2. It has about 4.3 degree centigrade higher boiling point than R11. It is therefore a lower pressure replacement for the R11, thus having a large specific volume of suction vapor, as it is usually resulting in 10 to 15% reduction in capacity if it is used in existing R11 centrifugal compressor. R22 जो कि यूज किया था इसका रिप्लेसमेंट है, इसका भी रिप्लेसमेंट आया हुआ है जो कि मिक्सचर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है R134A, जिसमें R22 में मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वेरी वेट रहती हैं, यानी बोलना चाहिए उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती है, जिसके कारण से कि हम R134A का इस्तेमाल करते हैं, या कहना चाहिए R22 जो है दैट इज द मिक्सचर ऑफ 50-50% बाई वेट ऑफ R32 एंड R135, it is a replace for the substitute of the R22. Thank you. Next, I will discuss about the steam jet refrigeration system.